नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? तो यहाँ पे जो आज हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, यहाँ पे नॉन टीचिंग पोस्ट पे वैकेंसी निकली हुई है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और ये परमानेंट पोस्ट है, ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। और ये जो आपकी नॉन टीचिंग की पोस्ट है, ये तीन ग्रुप में डिवाइड है, जैसे ग्रुप ए में निकली हुई है, इसके बाद ग्रुप बी की है, ग्रुप सी की है, ठीक है। तो सबके बारे में ही हम लोग देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि ग्रुप ए में कौन कौन सी है आपकी, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये ग्रुप ए में आपकी वैकेंसी है। सबसे पहले तो है इंटरनल ऑडिट ऑफिसर की वैकेंसी है, इसके बाद असिस्टेंट रजिस्ट्रार की वैकेंसी है, इसके बाद मेडिकल ऑफिसर फीमेल की वैकेंसी है, इसके साथ ही हिंदी ऑफिसर की वैकेंसी है। और जो इंटरनल ऑडिट ऑफिसर है वो लेवल 12 के हिसाब से आपको सैलरी रहेगी। और यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट की अगर बात करें तो एक पोस्ट है इंटरनल ऑडिट ऑफिसर की, ठीक है। इसके रजिस्ट्रार की जो वैकेंसी वैकेंसी है तो लेवल 10 की सैलरी आपको यहाँ पे मिलेगी। और यहाँ पे जो है नंबर ऑफ पोस्ट 2 है, ठीक है, जिसमें से एक जनरल की है और एक ओबीसी की है, ठीक है। जो इंटरनल ऑडिट ऑफिसर की है तो ये जो वहां पे पहले से ही काम कर रहे हैं उन्हीं के लिए वैकेंसी निकली हुई है। तो यहाँ पे ग्रुप ए की बात हो गई है। इसके बाद मेडिकल ऑफिसर फीमेल की अगर देखें तो ये भी लेवल 10 की है, एक वैकेंसी है जनरल में। इसी के साथ हिंदी ऑफिसर लेवल 10 पे एक वैकेंसी है जनरल कैटेगरी में, ठीक है। इसके बाद ग्रुप बी की अगर बात करें तो यहाँ पे कौन कौन सी वैकेंसी है, एक तो आपकी प्राइवेट सेक्रेटरी है जो लेवल 7 का सैलरी रहेगी यहाँ पे, और 2 वैकेंसी है, एक जनरल की है और दूसरी पीडब्ल्यू फिजिकल कैंडिडेट जो होते हैं उनके लिए है। इसके बाद असिस्टेंट रजिस्ट्रार की लेवल 7 पे है, यहाँ पे भी 2 वैकेंसी है, ठीक है। इसके बाद पर्सनल असिस्टेंट लेवल 6 के पद पे है ये, इस लेवल 6 के अकॉर्डिंग ये सैलरी दी जाएगी। तो ये 3 वैकेंसी है टोटल, एक जनरल, एक ओबीसी और एक एससी कैटेगरी की, ठीक है। इसके बाद सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर, ये भी लेवल 6 में आता है और एक वैकेंसी है जनरल की, एक, ठीक है। इसके बाद लेवल अगर ग्रुप सी की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन सी वैकेंसी है, स्टेटिकल असिस्टेंट की है, लेवल 5 का पे स्केल रहेगा आपका। लेबोरेटरी असिस्टेंट है, लेवल 4 का पे स्केल रहेगा। इसके साथ लोअर डिवीजन क्लर्क है, लेवल 2 का पे स्केल रहेगा यहाँ पे, 6 ये पोस्ट है कुल। उसके कुक की वैकेंसी निकली हुई है, लेवल 2 इसमें भी रहेगा, एक वैकेंसी है कुक के लिए। और लाइब्रेरी अटेंडेंट लेवल 1, यहाँ पे 2 वैकेंसी है। इसके बाद एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ की अगर बात करें तो ये लेवल 1 की हिसाब से पे स्केल रहेगा, और यहाँ पे एक वैकेंसी है AWS की, ठीक है। तो ये तो आपकी होगी कि लेवल A B और C में कौन कौन सी वैकेंसी है, और ये सारी नॉन टीचिंग पोस्ट है यहाँ पर, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट इसमें फिल करना चाहते हैं, ये ऑफिशियल वेबसाइट दी हुई है CUSB.AC.IN, वहाँ पे डिटेल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो 26 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुके हैं और 23 नवंबर तक ये फिल किए जाएंगे, शाम के 6 बजे तक, ठीक है। तो ये तो जनरल चीजें होंगी। इसके बाद जो एप्लीकेशन की फीस रहेगी 1,000 रहेगी, दोनों के लिए रेगुलर है, या ट्यूशन का मतलब होता है जो उस विभाग में पहले से ही काम कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पे SC ST PWD फीमेल कैंडिडेट, रेगुलर स्टाफ ऑफ SUSB के लिए कोई पेमेंट नहीं लगेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पेमेंट का रहने वाला है, ठीक। और यहाँ पे और चीजें डिटेल में देख लेते हैं, जैसे कि अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें कि किस प्रकार से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, तो उसकी अगर बात करें तो इंटरनल ऑडिट ऑफिसर है जो डिप्टीशन पोस्ट है, एक पोस्ट है, ठीक है। यहाँ पे सिंपली है कि उसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे होंगे जो कैंडिडेट, उनके लिए है ये, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है, बाय ड्रॉइंग ऑफिसर्स बिलोंगिंग टू ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज और अदर सिमिलर ऑर्गेनाइज्ड अकाउंट सर्विस इन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट होल्डिंग इन एनालॉगस पोस्ट ऑन ए रेगुलर, मतलब जो इस डिपार्टमेंट में कहीं पे काम कर रहे हैं सेंट्रल या स्टेट लेवल पे, वो लोग इसको
को कर सकते हैं, वो लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। या इसके अलावा 3 साल के रेगुलर सर्विस इन लेवल 11 पे अगर जो लोग रहे हैं, या इक्विवेलेंट एरिया ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट इन एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑटोनोमस बॉडी में काम किया है, या फिर 5 साल का एक्सपीरियंस है रेगुलर सर्विस में लेवल 10 पे रहे हैं, ठीक है। तो ये पोस्ट उनके लिए है। इसके बाद असिस्टेंट रजिस्ट्रार की बात करें तो एज लिमिट 40 साल की है। यहाँ पे कम से कम मास्टर डिग्री होना चाहिए 55% मार्क के साथ, ठीक है, ये यहाँ पे मांगी है। इसके बाद जो फीमेल की वजह से निकली है मेडिकल ऑफिसर की, ये भी एक है। यहाँ पे भी एज है जो आपकी 40 साल की है और MBBS की डिग्री मांगी है यहाँ पे, और इसके अलावा 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस मांगा है कोई हॉस्पिटल में, ठीक है, मेडिकल कॉलेज या कॉर्पोरेट हॉस्पिटल कहीं भी, ठीक है। फॉर द पोस्ट ऑफ फीमेल मेडिकल ऑफिसर एटलीस्ट 1 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी वार्ड इन गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स होते हैं, ठीक है। इसलिए डिजायरेबल बोला गया पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज बाई MCI, तो ये क्वालिफिकेशन है। इसके बाद हिंदी ऑफिसर की जो पोस्ट निकली हुई है उसकी भी एज लिमिट है 40 साल, तो इसमें है कि मास्टर डिग्री होना चाहिए आपका हिंदी के साथ विथ इंग्लिश एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट, या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट एज ए मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल, ठीक है। इसके बाद मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश विद हिंदी, या फिर हिंदी के साथ इंग्लिश हो आपका, या फिर इंग्लिश के साथ हिंदी हो, ठीक है। इसके साथ या फिर आपका मास्टर डिग्री हो कहीं से जहाँ से हिंदी या इंग्लिश के साथ विद हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश एज ए कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए। या फिर मास्टर डिग्री हो किसी यूनिवर्सिटी से हिंदी या इंग्लिश से और विद इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी एज ए कंपल्सरी और इलेक्टिव, मतलब हिंदी इंग्लिश में से आप सबको कोई एक चीज होना चाहिए, और उसके साथ साथ 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा है टर्मिनोलॉजी वर्क इन हिंदी में आपने कहीं पे काम किया हो, ठीक है। और या फिर इसके अलावा 3 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग फील्ड में, आपने हिंदी एंड इंग्लिश रिसर्च में काम किया हो। इसके डिजायरेबल अगर बात करें तो स्टडी वन लैंग्वेज अदर देन हिंदी इंक्लूडिंग एट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एट 10 लेवल फॉर्म में रिकॉग्नाइज बोर्ड, तो ये इसकी होगी। इसके बाद प्राइवेट सेक्रेटरी की जो पोस्ट है उसकी एज लिमिट 35 साल की है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बैचलर डिग्री होना चाहिए आपका, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए पर्सनल असिस्टेंट के तौर पे, या फिर 5 साल का स्टेनोग्राफर की पोस्ट पे कहीं आपने काम किया हो, ठीक है। इसके साथ हिंदी और या फिर इंग्लिश में स्टेनोग्राफी 120 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 100 वर्ड पर मिनट आपका हिंदी में होना चाहिए, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग की बात करें तो 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में, और इसके साथ ही कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, ये आपकी पूरी मांगी गई है प्राइवेट सेक्रेटरी की जो पोस्ट निकली हुई है उनके लिए क्वालिफिकेशन है, ठीक है, जो ग्रुप बी में आती है आपकी। इसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की बात करें तो इसकी भी एज 35 साल है, फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग हो, या उसके साथ ही 3 साल का एक्सपीरियंस हो आपने कहीं पे काम किया हो उससे रिलेटेड, ठीक है। इसके साथ नेक्स्ट पोस्ट के देखे तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट है इलेक्ट्रिकल, तो इसकी भी 35 साल है, जो ग्रुप ए की आपकी पोस्ट है वहां पे सबकी 40 साल है, और ग्रुप बी में आप देख सकते हैं कि 35 साल है। तो असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की जो है इसमें फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होना चाहिए, इसके 3 साल का आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद पर्सनल असिस्टेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे भी 35 साल है, इसमें बैचलर डिग्री होना चाहिए प्रोफिशिएंसी इन स्टेनोग्राफी इन इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश या हिंदी में आपको टंकण जो भाषा होती है उसका ज्ञान होना चाहिए 100 वर्ड पर मिनट के हिसाब से। इसके बाद टाइपिंग आनी चाहिए 35 और 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से, कंप्यूटर नॉलेज हो, इसके साथ 2 साल का एक्सपीरियंस हो आपने कहीं पे काम किया हो स्टेनोग्राफर के तौर पे, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश एंड गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए, और डिक्टेशन 10 मिनट पर मिनट एट द रेट 100 वर्ड पर मिनट। इसके बाद ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो 40 मिनट का होना चाहिए, ये डिजायरेबल चीजें हैं। इसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है सीनियर टेक्निक असिस्टेंट कंप्यूटर की, इसमें 35 साल है, इसमें BE या BTEC इन कंप्यूटर साइंस आपका होना चाहिए,
या फिर आपने एमसीए या एमएससी इन कंप्यूटर साइंस किया हो, इसके साथ ही आपने 2 साल का एक्सपीरियंस हो जिसमें सी प्लस प्लस जावा या जो भी लैंग्वेजेस हैं उनमें, ठीक है। इसके साथ नेक्स्ट कोर्स है स्टेटिकल असिस्टेंट की, ग्रुप सी में आती है। इसमें ग्रुप सी की आप देख सकते हैं कि 32 ईयर मैक्सिमम एज होनी चाहिए, ठीक है। इसमें बैचलर डिग्री हो सिंपली आपका स्टैटिक से, या फिर बैचलर डिग्री मैथमेटिक्स विद स्टैटिक एज ए वन सब्जेक्ट, या फिर बैचलर डिग्री इकोनॉमिक्स विद स्टैटिक्स हो, या फिर बैचलर डिग्री इन कॉमर्स विद स्टैटिक्स हो। मतलब स्टैटिक्स यहाँ पे कंपलसरी है क्योंकि उसी की पोस्ट है, ठीक। तो ये सिंपली इस प्रकार से। इसके लैबोरेटरी असिस्टेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे भी एज लिमिट आप देख सकते हैं 35 साल है। लेवल 4 का आपका पे स्केल रहेगा। यहाँ पे बैचलर डिग्री इन साइंस हो, केमिस्ट्री, बी फार्मा, बैचलर डिग्री इन फार्मेसी किया हुआ हो, ठीक है। इसके साथ ही ये था एक्सपीरियंस शुड बी इन यूनिवर्सिटी रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू एंड अदर ऑटोनोमस बॉडी, रिपीट विद एनुअल टर्नओवर ऑफ एटलीस्ट 200 पर करोड़ आर मोर। ये कुछ एक्सपीरियंस भी यहाँ पे वहां आ गया है। इसी के साथ नेक्स्ट की अगर बात करें, जो लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्टिंग दी हुई है, 6 पोस्ट है आपकी यहाँ पे, और यहाँ पे लेवल 2 के हिसाब से आपका पे स्केल रहेगा। इसकी एज भी 32 ईयर है। यहाँ पे 65 डिग्री को आपका यूनिवर्सिटी से, और टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए आपकी 35 पर वर्ड मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में, ठीक है। इसके प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशंस, कंप्यूटर की नॉलेज हो अच्छी। इसके कुक की जो वैकेंसी निकली हुई है, 1 पोस्ट है, लेवल 2 के हिसाब से पे स्केल रहेगा। इसकी भी एज 32 है, 10th पास हो। इसके बाद आईटीआई ट्रेड सर्टिफिकेट इन बेकरी एंड कॉन्फेक्शनरी, इसमें से किसी में 1 ईयर का डिप्लोमा हो आपका वो आईटीआई से। इसके 3 साल का एक्सपीरियंस हो आपने कहीं पे कैटरिंग सर्विस, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, या फिर गेस्ट हाउस, एटलीस्ट 3 स्टेयर्स होटल, मतलब 3 स्टार जो होटल होते हैं उनमें कहीं पे काम किया हो। ये एक्सपीरियंस भी मांगा है कुक के लिए। इसके लाइब्रेरी अटेंडेंट की बात करें तो लेवल 1 की है पे स्केल, और 32 ईयर इसका भी है। 12th होना चाहिए, सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए आपका लाइब्रेरी साइंस में। इसके बाद 1 ईयर एक्सपीरियंस इन यूनिवर्सिटी कॉलेज या एजुकेशन इंस्टीट्यूट में कहीं लाइब्रेरी पोस्ट पे काम किया हो, और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन आपकी होनी चाहिए, ठीक है। इसके नेक्स्ट जो पोस्ट है हमारी मल्टी टास्किंग स्टाफ की, तो 1 पोस्ट है, लेवल 1 के हिसाब से सैलरी दी जाएगी। इसकी भी एज लिमिट आप लोग देख सकते हैं 32 ईयर है, 10th पास होना चाहिए, या फिर आपकी आईटीआई पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये इनसे क्वालिफिकेशन होगी ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 के लिए। इसके हिसाब से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और आपके फॉर्म जो है यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको दिखाया भी था, फॉर्म आपके 26 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुके हैं, और यहाँ पे 23 नवंबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। तो आराम से आप लोग फॉर्म भर सकते हैं और सारी डिटेल में जानकारी देंगे। इसके अलावा कोई आपको सर्टिफिकेट या किसी चीज की जानकारी देखनी है तो आप सिंपली जो वेबसाइट है दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, आप गूगल पे टाइप करेंगे तो अपने आप एक ओपन होके आएगा। वहां पे आप रिक्रूटमेंट सेक्टर में जाके सारी डिटेल में चीजें देख सकते हैं, ठीक है। ये परमानेंट पोस्ट है, इसका नोटिफिकेशन 25 अक्टूबर को निकला हुआ था, तो उम्मीद है कि सारी डिटेल यहाँ पे बता दी गई। इसके अलावा भी आपका कोई डाउट है तो डिटेल नोटिफिकेशन चेक करिएगा, ठीक है। उसमें आपसे रिलेटेड जो भी डाउट है वहाँ पे सारी चीजें मेंशन की गई है, और जो वीडियो बनाई जा रही है यहाँ पे कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। आपकी जरूर हेल्प की जाएगी। उसी प्रकार के अपडेट के लिए बने रहिए लर्निंग टुगेदर से। धन्यवाद।